हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फिलहाल गाइस अभी टाइम जो है शाम के 7:04 हो रहे हैं। एंड गाइस अभी डेट जो है आज 17th है। और गाइस अभी आप लोगों को काफी ज्यादा डेकोरेशंस दिख रही होगी सामने में, जैसे कि आप लोगों को गाइस पता है 19th को जन्माष्टमी है, इसीलिए बाय द वे गाइस अभी हम लोग श्याम मंदिर जा रहे हैं। सो होप कि आज श्याम मंदिर में थोड़ा सजा रहेगा श्याम मंदिर, क्योंकि हर साल गाइस उधर 10 दिन पहले जन्माष्टमी से बहुत ही सुंदर तरीका से झांकी लग जाती है, जो कि मस्त लगती है देखने में। एंड गाइस वही अगर लगा हुआ रहेगा तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। एंड गाइस आने के बाद मैं अपना सारे डेकोरेशंस भी दिखा दूंगा। बाय द वे गाइस अभी सारा डेकोरेशन तो हुआ नहीं है, आधा भी अभी तो नहीं हुआ है, कल का दिन है। एंड मेरे को सारा का सारा डेकोरेशंस कंप्लीट करना है, मैं आके आप लोगों को ए टू जेड चीज दिखाऊंगा। बाय द वे पिछले साल भी मैं काफी मस्त बनाया था एंड गाइस व्लॉग भी शूट किया था, सो आप लोग देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस व्लॉग का। एंड गाइस बस फिलहाल चलिए चलते ऑलरेडी हम लोग को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है। एंड गाइस पूरा गली में इतना सारा आज लिटरली जन्माष्टमी के स्टॉल्स लग रखे हैं, खिलौनों के स्टॉल्स लग रखे हैं, मस्त लग रहा है मतलब। एंड गाइस मेरे भी काफी ज्यादा खिलौने हैं मेरे पास भी। सो गाइस आज और कल मैं दोनों दिन व्लॉग शूट करूंगा। अभी फिलहाल चलिए गाइस हम लोग चलते हैं श्याम मंदिर। गाइस फिर उसके बाद जो है हम लोग मंदिर से घर भी आ गए थे। एंड गाइस मंदिर का भी मैंने जितना व्यू आप लोगों को दिखाने पर उतना तो दिखा दिया, लेकिन गाइस कुछ खा झांके वगैरह नहीं बन रखी थी, इसलिए वो चीज मैं आप लोगों को नहीं दिखाने पाया। लेकिन गाइस आज श्याम मंदिर में बहुत ही बड़ा एक लड्डू गोपाल महोत्सव था, जो कि सब लोग को अपने अपने लड्डू गोपाल जी को सजा के लेके जाना था। लेकिन गाइस हम लोग को नहीं पता था, नहीं तो हम लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी को लेके जाते। हम लोग उधर जाने के बाद ही पता चला। एंड गाइस मेरी जन्माष्टमी की तैयारियां भी काफी जोरों शोरों से चल रही है। बाय द वे गाइस मेरे को नहीं पता व्लॉग कब आएगा, आज डेट है 17 अगस्त, लेकिन आई होप कि गाइस अगर मैं डाल ले पाऊँ तो ये व्लॉग में 18 अगस्त को डाल दूं, क्योंकि गाइस अभी मेरे रेगुलर स्कूल्स वगैरह भी है इसलिए। एंड गाइस चलिए अभी मैं दिखा देता हूँ कुछ कैसी तैयारियां चल रही है, एंड गाइस कैसे मैं कुछ डेकोरेशन कर रहा हूँ। सो गाइस अभी आप लोग देखिए कुछ इस तरह से, अभी कुछ इतना ही हुआ, अभी पूरा फैला हुआ है। देखिए गाइस इधर ये जो है ये पूरा स्टेज है गाइस, इस पे जो है पूरा पेपर वगैरह भूसी वगैरह बिछ के पूरा इस पे डेकोरेशन होगा। एंड गाइस देखिए, एंड गाइस कुछ इतना एरिया में अभी डेकोरेशन होने पाया है। एंड गाइस ये वाला फूल का इधर गिर गया, लगाना होगा गाइस इसको वापिस से। एंड गाइस देखिए, और गाइस अभी मैं आप लोगों को लाइट्स वगैरह जला के नहीं दिखाऊंगा, जिस दिन जन्माष्टमी का व्लॉग आएगा उस दिन आएगा लाइट वगैरह जला के। एंड गाइस इधर लड्डू गोपाल जी का झूलन डलेगा। एंड गाइस इधर पूरी झांकी रहेगी पूरे एरिया में। एंड गाइस देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो गाइस अभी मैंने आप लोगों को दिखा दी कुछ मैं कैसे तैयारी किया हूँ जन्माष्टमी की। एंड गाइस मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल भी व्लॉग बनाने पाऊँ तो बना लूँ पूरा झांकी सजाने का। बाय द वे गाइस चलिए मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। देखिए गाइस कितना मस्त लग रहा है गोवर्धन पर्वत वाला पूरा सीन, इसको जो अपनी झांकी में मैं ऐड करने वाला हूँ। एंड गाइस बस ये आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा जरूर कि मैं कल व्लॉग बनाने पाऊँ, परसों तो मैं बनाऊंगा जन्माष्टमी स्पेशल व्लॉग। सो होप कि गाइस आज के व्लॉग आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे व्लॉग को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कल मैं आप लोगों को मिलते न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।